किसान और खेती प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। किसान और खेती प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। किसान और खेती प्रधानमंत्री जी की भारतीय जनता पार्टी की एनडीए की सरकार की प्राथमिकता है, और इसलिए पहला फैसला अगर पीएम ने किया तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद, तो वो फैसला था किसानों के खाते में किसान सम्मान निधि की राशि डालने का फैसला। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि अपना पहला कार्यक्रम प्रधानमंत्री जी 18 जून को काशी में कर रहे हैं, उसमें 9 करोड़ से ज़्यादा किसानों के खाते में लगभग 20,000 करोड़ रुपए की राशि सीधे किसान के खातों में अंतरित की जाएगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल जी इस कार्यक्रम में विशेष रूप से उपस्थित रहेंगे। किसानों से सीधा संवाद करने के लिए 50 अलग अलग स्थानों पर केंद्रीय मंत्री जा रहे हैं, मुख्यमंत्री भी जुड़ेंगे, और लगभग 2.5 करोड़ लोगों से सीधे प्रधानमंत्री जी उनको संबोधित करेंगे, उनको प्रेरित करने का काम करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।